बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई एडिफिकेशन। योर इंग्लिश टीचर उस्मान अली हेयर। टुडे वी विल डिस्कस द पोएम आ सिंधी वुमन, रिटन बाय जॉन स्टॉलवर्थी। जॉन स्टॉलवर्थी, he was born in 1935 and died in 2014. He was a British literary critic, biographer and poet. He wrote 12 books of poetry. He wrote much about war and war poetry. He was called one of the finest biographer of our time. So you can see his face as well. He is smiling, looking nice. So our poem, A Sindhi Woman, its first stanza. Barefoot through the bazaar, bazaar mein se nange paon, and with the same aur bilkul waise hi undulant grace. Undulant mean like a wave, just like wave, as wave moves on, जैसे कि लहर जो है वो रवानी से बहती है, बिल्कुल ऐसे ही उसकी चाल है और वो नंगे पांव चल रही है। As the cloth blown back from her face, और उसके चेहरे का जो कपड़ा है वो हवा से पीछे उड़ रहा है। She glides, she walks with a stone jar, और उसने अपने सर के ऊपर जो है वो एक मटका भी उठाया हुआ है। High on her head, उसने सर के ऊपर जो है एक मटका उठाया हुआ है। And not a ripple, ripple का मतलब crease और wrinkle, stagger हो जाना, डगमगा जाना, और उसकी चाल में कोई लगजश नहीं है। Not a ripple in her tread, tread का मतलब walk, gait, चाल। तो in this stanza, actually the poet has described the beautiful walk of a Sindhi woman, कि how gracefully she walks through the bazaar. No doubt she is carrying a stone jar on her head, but we observe that there is not a ripple, there is not a slight straggling in her graceful walk. The second stanza, watching her cross erect, a poet jo hai wo apni observation bata raha hai ke मैं जो हूँ उसके देखता हूँ, पोइट जो है उसको देख रहा है, पोइट इज ऑब्जर्विंग हर, एंड ही फाइंड्स हर, शी इज क्रॉसिंग द बाजार, शी इज क्रॉसिंग द पाथ, इरेक्ट स्ट्रेट, स्टोन्स गार्बेज एक्सक्रीमेंट एंड क्रम्स ऑफ ग्लास, जबकि पत्थर भी हैं, कूड़ा क्रिकेट भी है, एक्सक्रीमेंट फुजला भी है, एंड क्रम्स ऑफ ग्लास, और शीशे की किरचियां भी हैं। इन द कराची स्लम्स, स्लम्स का मतलब गेटोस, कच्ची बस्ती, कच्चा इलाका, कराची की कच्ची आबादी में जो है ये सारी चीजें मौजूद हैं। जैसे कि तस्वीर में आप देख सकते हैं, इमेज जो आपके सामने है कि किस तरह की गंदगी है, और ये इसलिए यहाँ पे इमेज दिया गया है ताकि थोड़ा सा आपको जो है अंदाजा हो सके कि जो डिपिक्ट किया जा रहा है, जो पोइट यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है, वो मंजर किस तरह का है। तो जो पोइट है वो बता रहा है कि वो जो खतून है, जो सिंधी वुमन है, वो जिस रास्ते से गुजर रही है वहां पर स्टोन्स भी हैं, वहां पर रास्ते में जो है वो कूड़ा क्रिकेट पड़ा हुआ है, फुसला पड़ा हुआ है, शीशे की किरचियां हैं, और ये सारा मंजर जो है वो हमें कराची की कच्ची आबादियों में नजर आता है। आई विद माई स्टोप, नाउ द पोइट इज रिफरिंग टू हिमसेल्फ, अब शायर जो है वो अपने बारे में बता रहा है,
स्टूप, स्टूप का मतलब बेंट हो जाना, कमर का झुक जाना, खमीदा कमर हो जाना। पोइट जो है वो कहता है कि अब मेरी कमर झुक चुकी है। रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट का मतलब थिंक, सोचना। पोइट जो है वो कहता है कि मेरी कमर झुक चुकी है और मैं सोचता हूं। दे स्टैंड मोर स्ट्रेट, कि वो जिंदगी में बिल्कुल सीधे रहते हैं, बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं। हु लर्न टू वॉक बीनीथ अ वेट, जो वजन उठाकर चलना सीख जाते हैं। यानी पोइट ये बताना चाह रहा है कि वो लोग जो जिंदगी की मुश्किलात से घबराते नहीं हैं, जो जिंदगी को बड़े बोल्ड वे में फेस करते हैं, तो यकीनन वो क्या होते हैं जी, वो जिंदगी में इरेक्ट रहते हैं, हमेशा सीधे खड़े रहते हैं। अगर उनकी कमर झुक भी जाए लेकिन उनके अंदर जो है वो एक डिग्निटी होती है, डिग्निटी ऑफ लेबर होती है, उनके अंदर हार्ड वर्क जो है वो एक तरह की ग्रेस पैदा कर देता है। तो एक्चुअली यहाँ पर जो पोइट है उसने हार्ड वर्क और जो वुमन की जो गेट है, जो ग्रेसफुल गेट है या वॉक है, उन दोनों को कंबाइन करते हुए जो है ये मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर इंसान जो है वो जिंदगी में अपनी जो उस पर ड्यूटीज हैं, जो उस पर फराइज जो हैं वो आयद होते हैं, अगर उनको वो अच्छे तरीके से अदा करता है, उनको निभाता है, तो यकीनन क्या होगा कि वो जिंदगी में अपना मकाम पैदा कर सकता है, वो दूसरों के लिए ग्रेसफुल हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो हार्डवर्क की ग्रेस आ जाती है, उसके अंदर काम करने की वजह से एक खूबसूरती का एलिमेंट पैदा हो जाता है। और एक्सक्रीमेंट, एक्सक्रीमेंट का मतलब जो है वो क्या होता है जी, फेसिस होता है, स्टूल होता है। सो द थीम ऑफ द पोइम प्रेजेंट्स ट्रिब्यूट्स टू वर्किंग वुमेन। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो पोइम पूरी की पूरी है वो ट्रिब्यूट पेश कर रही है, वो खराज तहसीन पेश कर रही है वर्किंग वुमेन को। शी इज कैरिंग अ जार ऑन हर हेड, वो जो खतून है उसने अपने सर के ऊपर जो है वो एक घड़ा या मटका उठाया हुआ है। शी वॉक स्मूथली लाइक अ वेव, और एक लहर की तरह वो रवा दवा है अपने रास्ते पे। हर फीट आर बेयर, उसके पाँव नंगे हैं। द पाथ शी वॉक्स ऑन इज लिटर्ड विद क्रम्स ऑफ ग्लास एंड गार्बेज, और जिस रास्ते पर वो चल रही है वो लिटर्ड विद है, वो भरा हुआ है किसके साथ जी, शीशे की किर्चियों के साथ और कूड़े क्रिकेट के साथ। द पोइट कंक्लूड्स दैट द पीपल हु वर्क हार्ड कैरी ग्रेस, तो एक्चुअली जो शायर है वो ये नतीजा खस करता है कि जो मेहनत करते हैं वो लोग यकीनन अपनी जात में जो है वो एक दिलकशी रखते हैं, एक चार्म रखते हैं। दे मस्ट बी एप्रिशिएटेड, तो ऐसे लोगों को जो है यकीनन सराहना चाहिए, जैसा कि पोइट जो है वो सराह रहा है, वो एप्रिशिएट कर रहा है। एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टैंजा या स्टैंजा वन। द पोइट ऑब्जर्व्स अ सिंधी वुमेन्स ग्रेसफुल वॉक, शायर जो है वो सिंधी वुमेन की खूबसूरत चाल को देख रहा है। शी इज पासिंग फ्रॉम द बाजार बेयर फुटेड, वो नंगे पांव बाजार से गुजर रही है। हर फेस इज कवर्ड विद अ क्लोथ विच इज ब्लोइंग बैक एक्सपोजिंग हर फेस, और उसका चेहरा जो है उसके आगे कपड़ा पड़ा हुआ है जो हवा की वजह से पीछे हट रहा है और उसका चेहरा दिखाई देता है। हर गेट इज चार्मिंग लाइक अ वेव, तो उसकी जो चाल है, जिस चाल से वो चल रही है, वो लहर की तरह खूबसूरत है। शी स्टेप्स विद द मोशन लाइक अ फ्लोइंग वेव, तो एक बहती हुई लहर की तरह वो चलती जा रही है। द टेंडरनेस ऑफ हर वॉक हैज ग्रैस्प्ड द पोइट्स अटेंशन, तो जो उसके चलने की जो लताफत है, जो चलने का अंदाज है, उसने शायर की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। द पोइट एडमायर्स हर अट्रैक्टिव वॉक एंड हर हार्ड वर्क ऑल्सो, तो शायर जो है वो दोनों चीज़ों की तारीफ करता है, वो उसकी खूबसूरत चाल और इसके साथ साथ उसकी मेहनत दोनों को सराह रहा है। द बर्डन ऑन हर हेड डज नॉट डिस्टर्ब द चार्मिंग फ्लो ऑफ हर वॉक, तो उसके सर के ऊपर जो बर्डन है, अगर जो उसने घड़ा उठाया हुआ है, तो लेकिन इस बर्डन की वजह से उसकी चाल पे कोई बुरा असर नहीं पड़ा, बल्कि वो खूबसूरत चाल से चलती जा रही है। द जार ऑन द वुमन्स हेड सिंबलाइजेस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लाइफ, तो देखा जाए तो जो वुमन ने अपने सर के ऊपर जो घड़ा उठाया हुआ है वो किस चीज़ की अलामत है,
वो जिंदगी की जिम्मेदारियों की अलामत है। विच शी इज कैरिंग ग्रेसफुली, और वो उसको बड़े अहसन तरीके से निभा रही है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वुमन जो है वो सिर्फ वुमन की अलामत नहीं है, बल्कि ये पूरी ह्यूमैनिटी की अलामत है। जिस तरह हर वो शख्स जो कि अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से अहसन तरीके से निभा रहा है तो वो ग्रेसफुल है। लाइक द हार्ड वर्किंग पीपल डू, और बिल्कुल जी जो हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं, जो मेहनती लोग होते हैं, वो ऐसे ही करते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को खूबसूरती के साथ बड़े अहसन अंदाज से निभाते हैं। अ ड्रीम डज नॉट बिकम रियलिटी, क्योंकि जिंदगी में जो ख्वाब होते हैं, जो हमारे सपने होते हैं, जो हमारे एम्स होते हैं, वो कभी भी रियलिटी नहीं बनते थ्रू मैजिक, जादू से नहीं बन जाते। इट टेक्स स्वेट, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, इसके लिए पसीना बहाना पड़ता है, इसके लिए आपको पुख्ता इरादा करना पड़ता है और यकीनन मेहनत करनी पड़ती है। सो सेकंड स्टैंजा एक्सप्लेनेशन, इन दिस स्टैंजा द पोएट डिपिक्ट्स द वुमन वॉकिंग थ्रू अ स्लम एरिया, और यहां पर जो शायर है उसने बयान किया है जी और मंजर निगारी की है कि वो जो खतून है जिसने अपने सर के ऊपर घड़ा उठाया हुआ है, वो गुजर रही है कराची की कच्ची आबादी से, स्लम एरिया कच्ची आबादी। द एरिया हैज इल स्मेलिंग गार्बेज अराउंड एंड द पीसेस ऑफ ग्लास आर ऑल्सो लाइंग देयर, तो ये जो एरिया है यहाँ पे यकीनन जो है वो फीसिस की वजह से, स्टूल की वजह से गंदगी है, स्मेल है, और शीशे की करचियां भी हैं। द डिफिकल्ट पाथ डज नॉट रिड्यूस, और इसको रिड्यूस कर लें एस इज जस्ट एडिशनल हियर, डज नॉट रिड्यूस द ग्रेस ऑफ हर वॉक, तो जो ये जो मुश्किल रास्ता है ये रिड्यूस नहीं करता, कम नहीं करता उसकी ग्रेस को। शी वॉक स्मूथली अंडर द वेट, बल्कि वो वजन उठाए हुए बड़े खूबसूरत अंदाज से चलती जा रही है। द पोइट कंपेयर्स हिमसेल्फ विद द वुमन, अब शायर जो है वो अपना कंपैरिजन करता है इस खतून के साथ। ही कैरीज नो वेट, यकीनन उस पोइट ने वजन नहीं उठाया हुआ, देयरफॉर हैज गॉट अ बेंट, तो वो समझता है कि वो इतना मेहनती नहीं रहा, तभी उसकी कमर झुक चुकी है। द पोइट अगेन एम्फसाइजेस द पॉइंट ऑफ हार्ड वर्क, तो पोइट जो है वो अगेन किस पॉइंट को जो है वो एम्फसाइज कर रहा है, इसरार दे रहा है जी, किस चीज पे वो इसरार कर रहा है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, वो शुड बी हार्ड वर्किंग। द पर्सन हु डज हिज ड्यूटीज कीप्स हिज ग्रेस इंटैक्ट, तो वो पर्सन जो अपने फराइज को अच्छे तरीके से अदा करता है, यकीनन उसकी ग्रेस बाकी रहती है, वो खूबसूरत लगता है। On the other hand, the person who does not respond his duties efficiently, लेकिन वो शख्स जो कि मेहनत नहीं करता अपने काम से, अपनी ड्यूटी से जी चुराता है, may lose the charm of his personality, तो उसकी personality जो है वो इतनी charmful नहीं रहती, वो spoil हो जाती है, वो इतनी attractive नहीं रहती, क्योंकि कोई भी उसकी example नहीं देगा, कोई भी नहीं कहेगा कि he is such a hard working person, rather all will say that he is an idle person. Or to become an idle person is of course is not something to be proud of. Hard work builds talent. क्योंकि अगर आप hard working हैं तो आप उन लोगों का मुकाबला कर सकते हैं जो बहुत talented हैं. If talent doesn't work hard, क्योंकि अगर मेहनत, वो लोग जो बड़े talented हैं, बड़े intelligent हैं, अगर वो मेहनत नहीं करते तो यकीनन आप अपनी मेहनत के जरिए उनको बीट कर सकते हैं। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकंड स्टैंजा। नाउ नोट डाउन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नंबर वन, व्हाट डिड द पोएट रिफ्लेक्ट व्हेन ही सॉ द सिंधी वुमन, तो जब शायर ने जो है उस खतून को देखा था, सिंधी वुमन को देखा, उसने क्या सोचा था। What is the main idea or the theme of the poem? What kind of a picture of Karachi slums does the poet depict? किस तरह की जो कराची स्लम्स है वो पोइट ने बयान किए यहाँ पे, कराची की कच्ची आबादी का किस तरह का मंजर हमारे सामने आता है। What is the most appealing quality of the Sindhi woman? सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सी लगती है सिंधी वुमन की।
हाउ डज द सिंधी वुमेन वॉक थ्रू द बाजार, वो बाजार से किस तरह से चलते हुए जाती है। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द सिंधी वुमेन, सिंधी वुमेन की क्वालिटीज कौन कौन सी है, उसकी कौन कौन सी खूबियां हैं जी। और व्हाट डज द सिंधी वुमेन कैरी ऑन हर हेड, उसने अपने सर पे क्या उठाया हुआ है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।